हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ दूसरे रिसेंट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं और एक जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पार्ट लेके आया हूँ। तो इससे पहले ऑलरेडी पांच पार्ट फाइव पार्ट्स जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिए। वो वर्ल्ड हिस्ट्री मेरे प्ले लिस्ट में जाके वर्ल्ड हिस्ट्री से देख लीजिए। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस जो जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके बेसिस में एक टॉपिक्स का लिस्ट में भी बनाया हूँ। वो टॉपिक्स पढ़ लीजिए और ये वीडियो देख लीजिए तो आपका सब जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपका जो है कॉमन आ जाएगा दोस्तों। तो ऑलरेडी अराउंड छः से सात क्वेश्चंस आएंगे आईबी में, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है इस बार क्योंकि वैकेंसीज भी ज़्यादा है, कंपटीशन भी कम रहता है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास इस जॉब को लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए सो दैट आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हिच वॉज नॉट एन रोमन फिलोसोफर। ये चारों में से कौन सा रोमन फिलोसोफर नहीं है? तो दैट इज़ ऑक्टेवियन, ठीक है। हु वॉज अमंग द फेमस रोमन पोइट्स? तो कौन फेमस रोमन पोइट्स है? दैट इज़ वर्जील, ओके। मार्को पोलो वेनेटियन ट्रेवलर ट्रेवल्ड फ्रॉम वेनिस टू चाइना एंड जापान, कब कब किया था वो? दैट इज़ बिटवीन 1288 से 93 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। इन विच ईयर बार्थोलोमे डियाज रीच गुड होप, कब पहुंचे थे? तो ये ऑप्शन है 1487, ऑप्शन टू, ऑप्शन बी 1487 में, ठीक है। अच्छा, वास्को द गामा रीच इन इंडिया इन व्हिच ईयर, कौन से ईयर में वास्को द गामा आए थे? दैट इज 1498, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड? तो पहला जो ये वो मैगेलन है। अमेरिका वाज डिस्कवर्ड इन, अमेरिका कब डिस्कवर हुआ? तो अमेरिका 1492 में डिस्कवर हुआ है। अच्छा, ब्राज़ील वॉज डिस्कवर्ड इन, ब्राज़ील कब डिस्कवर हुआ? तो ब्राज़ील जो डिस्कवर हुआ है वो 1500 में हुआ है। हु डिस्कवर्ड नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल किसने डिस्कवर किया? दैट इज़ रॉबर्ट पियरी। मैग्ना कार्टा और द ग्रेट चार्टर वॉज साइंड, कब साइंड हुआ वो? 1215 मैंने 1215, ऑप्शन बी उसमें साइन हुआ था। अच्छा, हैबियस कॉर्पस एक्ट वॉज पास्ड इन, कब पास हुआ? दैट इज़ इन 1679। तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छा से देख लीजिए। अच्छा, बोस्टन टी ट्रीटी इंसिडेंट कब हुआ था? दैट इज़ इन 1773 में हुआ था। अच्छा, इन विच ईयर अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्टेड, अमेरिकन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? 1775 से अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन फ्रेंच बहुत अच्छा से पढ़ लीजिए। अच्छा, इन विच ईयर अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉज एक्नोलॉज्ड बाई इंग्लैंड, इंग्लैंड ने कब एक्नोलॉज किया था? दैट इज 1783 में। वो चालू हो गया था आपका 1775 में, बट इंग्लैंड एक्नोलॉज किया अराउंड 8 ईयर्स बाद 1783 में। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब देख लीजिए अच्छा से। अच्छा, यंग इटाली मूवमेंट बाई लेड बाई टू रेवोल्यूशनरीज, वन वॉज मजीनी और दूसरा कौन था? तो दैट इज गरिबाल्दी, ऑप्शन ए, ठीक है। रोम वॉज लिबरेटेड बाई द इटालियन सोल्जर्स इन द ईयर, कब हुआ था ये? ये हुआ था आपका 1870 में, ओके। अच्छा, व्हेन डिड वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड? तो वर्ल्ड वॉर टू जब स्टार्ट हुआ दैट इज 1939। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है वर्ल्ड वॉर रिलेटेड, वॉर रिलेटेड, तो अच्छा से देख लीजिए। व्हेन वॉज बुल्कन वॉर टू फाउट? तो बुल्कन वॉर टू कब हुआ था? तो इट इज़ ऑप्शन बी, मतलब 1913 में, ओके। हु इज़ नोन एज द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसको बोलते हैं? दैट इज़ ऑप्शन बी, बिस्मार्क को हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन था, तो और मैं अराउंड 10 पार्ट आपको दे दूंगा, तो ज़रूर उसको फॉलो कीजिए तो आपका जो है वर्ल्ड हिस्ट्री डेफिनेटली अच्छा से हो जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।